155वां शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यात्री सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए 1 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 तक विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों का आयोजन शासकीय रेल पुलिस जबलपुर के द्वारा किया जाना है, जो निम्नानुसार है। प्रथम दिवस 1 जनवरी 2022 को वर्ष 2021 के उल्लेखनीय कार्यों को मीडिया कर्मियों के जरिए जानकारी दी जाएगी। द्वितीय दिवस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में रुकने वाली ट्रेनों में मुख्यतः अकेली में महिला यात्री जो यात्रा कर रही हैं, महिला पुलिसकर्मी चिन्हित महिला ट्रेन में पहुंचकर उसकी सुरक्षा यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस कराना जीआरपी हेल्प ऐप के माध्यम से जागरूक करेगी और उनके आगे तक की यात्रा पूर्णतः सुरक्षित और आश्वस्त करेगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तृतीय दिवस दिनांक 3 जनवरी 2022 को महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में रुकने वाली ट्रेनों में मुख्यतः सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अकेले यात्रा कर रहे हैं, पुलिसकर्मी चिन्हित पुरुष से ट्रेन में पहुंचकर उसकी सुरक्षा यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस कराएंगी। चतुर्थ दिवस रेल रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन कराया जाएगा और उन्हें परिचय पत्र तथा आर्मबैंड वितरित किया जाएगा। पांचवें दिन यानी कि 5 जनवरी 2022 को प्लेटफॉर्म में रहने वाले असहाय वृद्धजनों भिक्षुकों को एनजीओ के माध्यम से उचित सहायता और पुनर्वास हेतु सहायता करेंगे। छठे दिवस यानी कि 6 जनवरी 2022 को रेलवे स्टेशन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, कूली, बेडर आदि के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। सातवां दिन यानी कि 7 जनवरी 2022 को रेल रक्षा समिति के सदस्यों का निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले मीडिया कर्मियों को पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर कटनी अनुभाग में प्रशस्ति पत्र प्रदान करके रेल यात्री सुरक्षा साप्ताहिक समीक्षा का विभिन्न समाचार चैनलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराएंगे। फोटोग्राफर के द्वारा फोटोग्राफी कराकर शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। सप्ताह के बाद भी उपरोक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जीआरपी मध्य प्रदेश पुलिस का स्थापना दिवस वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय रेल भोपाल, पुलिस महानिरीक्षक महोदय रेल भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के निर्देशन में रेल पुलिस का स्थापना दिवस 155वां साल का 1 जनवरी 2022 से लेके 7 जनवरी 2022 तक मनाया जा रहा है। इस संबंध में रेल सुरक्षा यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में उनको जागरूक करना तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं सीनियर सिटीजन यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष आयोजन इसमें रहेगा। ये 7 दिवस के अलग अलग दिन के कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन 7 दिवस में अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हैं हमारे यहाँ। उन 7 दिवस में स्थापना दिवस के अवसर पर रेल यात्री सुरक्षाओं को जागरूक करना एवं सुरक्षा के संबंध में उनको आगाह करना, बताना तथा जीआरपी के द्वारा एक रेल यात्रियों के लिए ऐप का बनाया गया है, उस ऐप के बारे में भी उनको समुचित जानकारी देना। उस यह ऐप जीआरपी एमपी हेल्प ऐप मोबाइल में गूगल प्ले में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अगर आपके मोबाइल में वो ऐप है, अगर आपके साथ में कोई रेल यात्रा के समय में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस ऐप के माध्यम से आपको रेलवे पुलिस की सहायता शीघ्र ही मिल जाएगी। ऐसा उसको बनाया गया। केवल इस स्थापना दिवस का उद्देश्य ये है कि रेल यात्रियों को हम अच्छे से अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकें, महिलाओं को सुरक्षित यात्रा कर सकें, ऐसा हम उनकी सहायता कर सकें, सिटीजन यात्रियों के को उचित सहायता दे सकें, इसलिए इसको 7 दिन हम लोग यात्रियों को जागरूक करेंगे और उनको यात्रा के संबंध में होने वाली कठिनाइयों के संबंध में उनको आगाह करेंगे। सर, एप्स का नाम क्या है? जीआरपी एमपी हेल्प है। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।